नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उषा मिश्रा के हमारा किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल नवरात्र व्रत चल रहे हैं, तो इसमें हम आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट रायता। और ये रायता हम बनाएंगे खीरे से, क्योंकि खीरा व्रत में बहुत लोग खाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलते हैं हमारे किचन में खीरे का रायता बनाने। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम दही लिया है, ये ताज़ा दही है और बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। जब भी आप रायता बनाएं बिल्कुल भी खट्टा दही ना लें। और मैंने धनिया ली हुई है हरी, एक मिर्च और हरी मिर्च और अदरक ली हुई है, और एक खीरा लिया हुआ है, खीरा ताज़ा है। तो जब भी आप खीरा बनाएं तो खीरे को पहले टेस्ट कर लें, क्योंकि कभी कभी खीरे कड़वे निकल जाते हैं, इसलिए रेसिपी बनाने से पहले उसको पहले चेक कर लें। तो सबसे पहले हम इसको छील लेते हैं, तो पिलर की सहायता से हम छील रहे हैं। आप चाकू से भी इसको आसानी से छील सकते हैं, और यदि ये कड़वा ना हो तो आप इसके छिलके साथ भी बना सकते हैं रायता। तो इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब इसके बीज हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि बीज इसके बिल्कुल मुलायम है, और इसको अच्छे से कस लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से ये मैंने कद्दूकस कर लिया है खीरे को। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए देसी घी से बनाएंगे। पर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप ऑयल से भी बना सकते हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं जीरा, और डाल देते हैं इसमें हींग। यदि आप हींग नहीं खाते हैं व्रत में तो ना डालें। और अब हम इसमें डाल देते हैं लौकी, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद इसको हम 2 मिनट गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको 2 मिनट पकाएंगे। तो 2 मिनट में ही अच्छे से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये अच्छे से पक गया है, क्योंकि खीरे का रायता कभी कभी भारी हो जाता है पचने में और आपको नुकसान कर सकता है, इसलिए आप इसको ये पका करके बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा, खाने में अच्छा लगेगा और आपको नुकसान भी नहीं करेगा। तो जब भी आप रायता बनाएं इसको हल्का सा थोड़ा सा उबाल लें या इस तरीके से फ्राई कर लें तो बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनेगा। तो अब हम देखिए दही को फेंट लेते हैं, ये घर का जमा हुआ दही है। और लौकी खीरा ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम डाल देते हैं इसमें और मिक्स कर देते हैं। यदि आप इस तरीके से रायता बनाएंगे तो आपका रायता बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं, रॉक साल्ट है ये। और इसमें हम डाल देते हैं काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच भी इसमें डाल देते हैं जीरा, भुना जीरा पाउडर, और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हम डाल देते हैं इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो देखिए हमारा बढ़िया सा रायता बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट बना है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो आप व्रत में ज़रूर इसको बनाएं, ये पेट के लिए भी फायदेमंद है, ठंडा करता है पेट को और बहुत फायदेमंद है शुगर के मरीज के लिए, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। आप इस तरीके से खीरे का रायता बना सकते हैं। तो देखिए बढ़िया सा रायता हमारा बनकर तैयार है। तो यदि ये हमारी खीरे की रायता की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर।